close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. तो फाइनली दोस्तों, जैसे कि आपने पहला पार्ट देखा, दूसरा पार्ट देखा और अभी है थर्ड पार्ट यानी तीसरा पार्ट। तो यहाँ पे क्या होता है, हल्दी समारोह होता है। ये क्या, शादी से एक दिन पहले यानी बारात ले जाने से एक दिन पहले का प्रोग्राम होता है हल्दी समारोह। हमारे यहाँ पे एक दिन पहले होता है, आपके यहाँ पता नहीं कब होता है। तो बट इस फेस्टिवल का क्या है, सभी लोग हल्दी लगाते हैं और एक फ़ोटो खींचा जाता है जो हल्दी लगाते समय। तो एक हम इसे फ़ोटो खींचने का रिवाज भी मान सकते हैं, क्योंकि गाँव के हिसाब से कुछ भी हो सकता है भाई। ये सिटी में भी होता है, गाँव में भी होता है, ज़्यादातर सब जगह होता है। ऐसा कुछ नहीं है कि गाँव में ही होता है, बट गाँव में गाँव के हिसाब से होता है, सिटी में सिटी के हिसाब से होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सभी परिजन है, मतलब भाई बहन, भाभी, भैया, ताई, ताऊ, मौसी, मौसाई सभी आते हैं, तो जो कि हल्दी लगाएंगे और फोटो खिंचवाएंगे। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं एंड तक, तो पूरा देखना बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। और जो भाई लोगों ने फर्स्ट और सेकंड पार्ट नहीं देखा है वो फर्स्ट और सेकंड देख लें, थर्ड पार्ट आएगा, वो थर्ड पार्ट है ये, और फोर्थ पार्ट अपना आएगा सीधा बारात यानी शादी का। तो दो पार्ट भी हो सकते हैं बारात और शादी का, तो मतलब फोर या फाइव के करीब हो जाएंगे। और अगर छोटा सा बना तो एक ही पार्ट में अपलोड कर देंगे। तो फिलहाल चलिए इसको पूरा दिखाते हैं आपको, और इसमें कुछ गांव के हिसाब से भी है तो वो भी दिखाते हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ तक देख रहे हो तो भाई वीडियो को लाइक कर दो। और जैसे कि आपको पता है सभी लोग पीले कपड़े पहने हुए हैं। क्या हल्दी में एक नियम होता है जो कि सभी भाई बहन, चाचा, ताई जो भी हैं वो सभी पीले कपड़े पहने, जिससे क्या ना पीला पीला होता है तो काफ़ी अच्छा लगता है, मतलब ये रिवाज है। और नहीं पहनने वो नहीं पहने, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी लोग पीले कपड़े पहने भी नहीं हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, पहनना निश्चित भी नहीं है और अनिश्चित भी नहीं है, तो पहनना अच्छा लगता है। थोड़ा हल्दी का प्रोग्राम है, पीले कपड़े रहते हैं हल्दी के जैसे, तो अच्छा लगता है। तो फिलहाल चलिए और भी देखिए, क्योंकि इसमें डांस वगैरह भी है तो वो हम आपको दिखाएंगे, तो पूरा देखिएगा। जैसे कि आपने देखा काफ़ी, मतलब आपको समझ आ ही गया होगा, एक फ़ोटो समारोह होता है ये, जो कि हल्दी के मतलब नाम है। तो फोटो समारोह होते हैं यानी यहाँ पर सबके बारी बारी से फ़ोटो होता है, पूरा फैमिली, रिश्तेदार वगैरह सब भी जो भी आते हैं सबका फ़ोटो हो जाता है। और ये इसके बाद फिर फोटो डायरेक्ट स्टेज पर खींचता है, मतलब यहाँ पर खींच जाता है एक फ़ोटो। तो सभी आप देख सकते हो सभी लोग फ़ोटो वगैरह ले रहे थे। यहाँ पर एक सेलिब्रिटी की अंदर से फीलिंग आ रही थी कि मैं एक सेलिब्रिटी हूँ, क्योंकि सभी लोग फ़ोटो ले रहे हैं बारी बारी से। तो भाई आप लोगों के हाथ में, सेलिब्रिटी आप बना भी सकते हो, नहीं भी बना सकते। तो फिलहाल चलिए हम आपको और दिखाते हैं और फिर उसके बाद वीडियो को समाप्त करते हैं, और नेक्स्ट पार्ट के लिए भाई तैयार रहने का, काफ़ी अच्छा नेक्स्ट पार्ट आने वाला है जो कि काफ़ी ही मज़ेदार है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है।
तो अब बारी आती है यहाँ पे ख़त्म होने के बाद हल्दी फेस्टिवल मतलब हल्दी प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद अब बारी आती है मेहंदी की, जो कि काफ़ी जगह मेहंदी मतलब माता पूजती है जब भी लगा देते हैं, जो कि हमने फर्स्ट पार्ट में अपलोड किया था, और कई जगह सेकंड पार्ट में भी लगा देते हैं, यानी कि हल्दी के टाइम पर हमारे यहाँ क्या ये हल्दी फेस्टिवल हो जाता है उसके बाद लगाते हैं, और कई जगह कई प्रकार के नियम होते हैं सदैव, सब जगह के अलग अलग प्रकार के नियम होते हैं। तो एक साइड भाभी जी लगा रही हैं और एक साइड मेरा दोस्त है जो कि काफ़ी अच्छी मेहंदी लगा लेता है, तो वो आया था तो उससे लगवा दिया एक साइड, और एक साइड भाभी जी लगा रही है। तो इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में जो कि शादी के टाइम का बारात के टाइम का रहेगा। तो आई होप